ट्रेनों में चल रहे अवैध रूप से वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेलवे विजिलेंस की टीम ने 13 वेंडरों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि रक्सौल से चलकर आनंद विहार को जाने वाली 15273 अप सत्याग्रह एक्सप्रेस में रेलवे विजिलेंस टीम ने मारा छापा तथा अवैध तरीके से काम कर रहे 13 वेंडर को माल के साथ पकड़ा तथा जिन्हें आरपीएफ पोस्ट के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ संजय यादव ने कहा कि शिकायत मिल रहा था ट्रेनों में अवैध तरीके से वेंडर काम कर रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को रेलवे विजिलेंस टीम द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सीपीआरओ संजय यादव ने बताया बात नहीं है। अवैध वेंडिंग जो है इसके खिलाफ रेलवे समय समय पर धरपकड़ अभियान चलाती रहती है और इधर कुछ हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी कुछ अवैध वेंडिंग की घटनाएं हो रही हैं। इसको लेके रेलवे विजिलेंस ने आज एक अभियान चलाया जिसमें अब सत्याग्रह एक्सप्रेस को और कई गाड़ियों को और प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग की गई और उसमें कुछ वेंडर्स पकड़े गए और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।